ओम शांति। शांति। अब स्वास्थ्य विहार के भाई बहनों को स्वास्थ्य के बारे में तो पूछ नहीं सकता हूँ क्योंकि सकते बाबा ने बिठाया ही स्वास्थ्य विहार में है और दीदी भी इतनी विशेष मिली है, देखो कितने भाग्य की बात है, जो सदैव मुस्कुराती रहती है। तो ये हम भाई बहनों का बहुत सौभाग्य है कि ऐसी दीदी हमें मिली है पढ़ाने वाली। और बाबा कहते बच्चे, इस ज्ञान का सार है मुस्कराना। इसलिए दादी जानकी जी को भी हमने देखा अंत में, बीच बीच में क्लास कराएंगी फिर एकदम से मुस्कराने लगेंगी। तो भाई बहन कहते दादी जी क्या कर रही हैं, तो मैं उनको कहता अरे ज्ञान का सार तो यही है ना कि हमें हरदम मुस्कराना है। और ब्रह्मा बाबा के बारे में भी एक बारी हमने दादी प्रकाशमणि जी से पूछा तो दादी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहा ब्रह्मा बाबा हंसते हंसते नारायण बन गए। कितनी बड़ी बात है देखो, माने दादी का भाव ये था कि ब्रह्मा बाबा के चेहरे से कभी कोई चिंता, कोई शिकन, कोई मारा मारी का नहीं। बाबा कहते थे बच्चे वो देख बहना बैठ देख करने वाला, मैं तो निश्चिंत हूँ। तो आप सब भाई बहने बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी दीदी मिली हैं। देखो कैसे कैसे, कभी हैदराबाद से क्लास कराती हैं, कुलदीप दीदी की अरेंज करती हैं, कभी जगरू भाई जी की अरेंज करती हैं, कभी हमारी करती हैं। तो इतनी पालना करना माने वो कितनी कंसर्न है आप लोगों के लिए, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन अब इस भाग्य को देख करके हमें अब ठीक है बाबा थैंक यू बाबा, नहीं थैंक यू बाबा तो बोलना है, लेकिन अब हमें और आगे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए कोरोना का रोना धोना है, बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हो गए हैं, बहुत मारामारी में है, बीके भी तंग हो गए हैं, बहुत फोन आते हैं मेरे पास, भाई सब घर में रहना नहीं चाहता एक मिनट भी, 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया। तो एक भाई बहन है जो कोरोना का रोना धोना कर रहे हैं और दूसरे भाई बहन है जो कहते हैं कोरोना माने कुछ करोना। कहते हैं भाई साहब इतना अच्छा मेडिटेशन का प्रैक्टिस मैंने कर ली, बाबा से अमृत वेले इतना सुंदर अनुभूति कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ भी मुझे कभी टाइम नहीं मिला सारी जिंदगी, तो अब मैं उनके साथ मैं विचार सागर मंथन भी करता हूँ, बैठता हूँ। तो देखो ये हमारा नजरिया है। बाकी बाबा ने कहा बच्चे अब ये तो समय आना ही है, बाबा ने तो बहुत समय पहले बोल दिया है, अभी तो आप सोचो कि ये साइंस के साधन है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप मुझसे मिल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये साइंस के साधन सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि उपग्रह नष्ट हुए, सैटेलाइट खत्म हुए, तो न मोबाइल चलेंगे, न टीवी चलेंगे, न व्हाट्सएप चलेंगे। तो बाबा ने बोला बच्चे उस टाइम पर कोई वायरलेस नहीं चलेगा, उस टाइम पर वॉइसलेस, आप जितनी निर्विकारी अवस्था होगी, आप जितने प्लेन बुद्धि होंगे, तो आपको बाबा से टचिंग्स होंगी, आपको बाबा से कैचिंग्स होंगी कि इस रास्ते पर जाओ, ये रास्ता सेफ है। तो अब वो एक्सपेरिमेंट करने का समय है, तो अब हमें अपने जीवन में ये प्रयोग करना है। आज का विषय भी मैं देख रहा हूं बहुत सुंदर रखा है, बीता हुआ समय हमारा ट्यूटर बने लेकिन हमें टॉर्चर न करे। ऐसे तो बाबा कहते हैं बच्चे समय तो क्या है, समय तो आपकी रचना है, यदि समय ने मुझे तैयार किया भाइयों बहनों तो मार्क्स अंक सारे समय को मिल जाएंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे समय से पहले तैयार हो जाना है, समय मेरी रचना है। ब्रह्मा बाबा समय से पहले तैयार हो गए, देखो बाबा को तैयार हुए कितने 50 साल से भी ज्यादा हो गए, आप सोचिए। मम्मा बाबा से भी पहले तैयार हो गई, मम्मा को तो और 1965 में तैयार हो गई, माने इन्होंने समय को बदला। तो अब हमें भी क्या करना है, और देखो हम सब भाई बहन तो बैठे ही दिल्ली में हैं, अब दिल्ली को तो बाबा बहुत याद करते हैं, आप मुरली बाबा की सुनेंगी, साकार बाबा की,
तो हर दो चार दिन में बाबा एक बारी दिल्ली को जरूर याद करेंगे। तो हम इतने भाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं कि बाबा ने बिठाया ही हमें दिल्ली में, और आप और सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप तो यमुना के किनारे पर बैठे हैं। तो सतयुग की स्थापना कहाँ होगी बताओ? सतयुग की स्थापना तो यमुना के किनारे होगी, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य विहार की तरफ ही होगी ना। तो इतना हमें अपने भाग्य पर नाज कि बाबा जिसे दिल्ली को हर दिन याद करते हैं, मैं वहीं का निवासी हूं। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, हम समय का इंतजार न करें, हम समय का इंतजाम करें। मुझे समय से पहले अपने आप को तैयार कर लेना है, जिसको आज की बोली में बाबा ने बोला, बच्चे एक सेकंड में विस्तार को सार में समेट लो। तो ये है अंतिम सर्टिफिकेट। तो अब आप सब भाई बहने अपने आप से पूछो कि क्या एक सेकंड में इसी घड़ी है, इसी घड़ी समझो अभी 7:40 हुए होंगे, अभी 7:40 हैं, कितने हैं, तो अगर बाबा इसी घड़ी कह दें बच्चे ड्रामा समाप्त, तो कौन कौन बच्चे कहेंगे थैंक यू बाबा? हैं? ऐसे तो कह देंगे हाँ हम कहेंगे थैंक यू बाबा, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बाबा हमारा तो जरा बैंक में पैसे रखे हैं, जरा 5 मिनट का टाइम दो, जरा बैंक से निकाल के लाऊं, फलाना करूं, ये करूं। बाबा ने कहा बच्चे नहीं फेल, ये सब कार्य मुझे पहले कर लेने हैं। अंत समय में तो क्या होगा, अंत समय में तो अचानक बाबा ने बोला हुआ है, तो ये सब घटनाएं हमारे जीवन में अचानक होने वाली हैं, इसलिए हमें पहले से उसकी तैयारी कर लेनी है। आज का स्लोगन में पढ़ रहा हूं कि ये अंतिम सर्टिफिकेट हमें बाबा से लेना है कि एक सेकंड में मैंने अपना सब कुछ विस्तार को सार में समझ लिया, बाबा मैं तैयार हूं, थैंक यू बाबा। हैं बाबा जैसे ही कहें ड्रामा समाप्त, मैं कहूं थैंक यू बाबा, तो क्या ऐसे शब्द हमारे मुख से निकल सकते हैं? आज हम अपने आप से ये बात करेंगे। और दूसरी बात आज बाबा ने जो वरदान में बोली, बाबा ने कहा बच्चे बाबा को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सदा याद ये बहुत विशेष बात है। फिर बाबा ने बोला बच्चे इससे क्या होगा, इससे हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। अभी हम संकल्प करते हैं, लेकिन संकल्प से सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि याद तो है बाबा की, लेकिन सदा याद नहीं है। देखो एक बार हमारी क्लास करा रही थी दादी चंद्रमणि जी, तो दादी चंद्रमणि जी को आप सब जानते होंगे ना, पुराने भाई बहने हैं, हमारी बहन जी भी जानती होंगी। तो वो पंजाब की थी, बाबा उनको शेरे पंजाब कहा करते थे। तो उन्होंने क्लास कराते कराते, हमारी भट्टी चल रही थी पांडव भवन में, तो दादी जी ने कहा कि हम सब दादियों में से केवल मम्मा ने ब्रह्मा बाबा में 24 घंटे शिव बाबा को देखा। आप कितनी बड़ी बात है, माने ब्रह्मा बाबा का 24 घंटे शिव बाबा के साथ योग, मम्मा का 24 घंटे शिव बाबा के साथ योग। तो अभी हमें योगी तू आत्मा, एक होता है योग लगाने वाले, आधा घंटे योग लगा लिया, एक घंटे योग लगा लिया, बाबा ने कहा बच्चे नहीं उससे बात बनने वाली नहीं है, अभी हमारा योग निरंतर लगा रहे, जिसको गीता में कहा गया है अर्जुन तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी माने मुझे कर्म भी करना है, लेकिन हर कर्म करते हुए मुझे भगवान को समर्पित कर देना है। बाबा करावनहार हैं और मैं करणहार हूं। फिर बाबा ने आगे बोला बच्चे आत्मा करावनहार है और ये शरीर करणहार है, तो सारे दिन हमें ये अभ्यास करना है। ज्ञान तो बाबा ने बहुत सुना दिया, अभी देखो ज्ञान सुनाना तो बाबा ने बंद कर दिया, और देख रहे हैं ना बाबा की मुरलियां अव्यक्त वाली तो भी नहीं चलती। अब बाबा कहते मुझसे मिलने के लिए आप परमधाम आओ, मैं तो बहुत समय तक आपसे बच्चों से मिलने आता रहा, लेकिन ज्ञान की गहराइयों में बाबा अभी हमें ले जाना चाहते थे, क्योंकि ज्ञान की गहराई में जाके फिर हमें योग, क्योंकि ज्ञान जो है वो थ्योरी है,
और योग जो है वो प्रैक्टिकल है। तो जो भी विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, जिन्होंने साइंस से स्टडी किया है, उनको पता होगा कि जब तक हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक हमें उस बात का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसलिए गीता में बहुत सुंदर महावाक्य भगवान के लिखे हुए हैं कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा मुझ समान है। तो यदि हमें बाबा के समान बनना है तो अब हमें योग के प्रयोग करने पड़ेंगे। केवल योग से बात नहीं बनेगी, अब हमें योगी जीवन बनाना है। योगी जीवन माने सवेरे से लेकर शाम तक बाबा के साथ योग है ही, मैं कनेक्टेड हूं। अब तो ये होना चाहिए कि बाबा से मैं अपने आप को कैसे दूर करूं, बाबा से मेरा योग टूट ही नहीं सकता है। अभी हमें बार बार अपना योग जोड़ना पड़ता है ना, जोड़ा फिर तोड़ा फिर जोड़ा फिर टूट गया, तो बाबा कहते बच्चे उससे क्या हो रहा है, ये तो टूट फूट वाला योग है आपका। और टूट फूट वाला योग किनका होता है, तो उनको टूट फूट वाली राजधानी मिलेगी वहां सत्युग में। तो बताइए आपको टूट फूट वाली राजधानी पसंद है, या आपको राजधानी एक 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 से चाहिए। तो अगर हमें राजधानी वन 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 से जाना है राजधानी में, तो बाबा ने उसकी सहज विधि बताई है कि बच्चे निरंतर योग, आप भाई बहने प्रयोग करो। अभी भी तालाबंदी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, अभी भी हमारे पास समय है। क्या हम 8 घंटे बैठक का योग कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है यदि बच्चों का 8 घंटे बैठक का योग है माने अष्ट रत्नों में वो बच्चे आ सकते हैं। देखो दादियों ने तो 14 वर्ष तपस्या की, कितनी तपस्या, बस मौन, बाबा की याद, और कुछ करने को था ही नहीं। तो अभी बाबा ने हमें ये समय दिया है ताकि हम बाबा को शिकायत न कर सकें, बाबा दादियों को तो आपने टाइम दे दिया, पुराने दादाओं को तो टाइम दे दिया, अब हमारा क्या होगा। बाबा ने कहा बच्चे आप भी समय लो। और अब लॉकडाउन का, देशबंदी का, तालाबंदी का ज्यादातर समय तो निकल गया है, लेकिन अब जितना भी समय बचा है तो अब आप आज से प्रयोग करो। देखो आज 20 तारीख है ना, और ये मम्मा का महीना चल रहा है, जून महीने को हम मम्मा के महीने के रूप में मनाते हैं। तो अभी इस महीने में है 10 दिन, तो हम सब भाई बहने आज से ये प्रयोग करेंगे कि क्या 24 घंटे में से 8 घंटे मैं बैठक का योग कर सकता हूं, केवल 10 दिन प्रयोग के तौर पर। तो जो भाई बहने ये पान का बीड़ा उठाते हैं वो अपने को शाबाशी देंगे, आज से हम अपनी लाइफ में ये प्रयोग शुरू करेंगे। और ये प्रयोग मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। देखो कैसे करेंगे आप अपने अमृत वेले को 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे का कर दीजिए, क्योंकि तो आजकल तो दिन में मारा मारी नहीं है, और अगर किसी को मारा मारी है तो वो शनिवार रविवार को करें। आज तो शनिवार है, आज तो कोई ज्यादा मारा मारी नहीं है, तो आज हम प्रयोग के तौर पर क्या करें कि अमृत वेला अपना 3 बजे से 5 बजे तक, बहुत पावरफुल अमृत वेला। और अमृत वेला कैसा करें, बाबा ने बोला हुआ है बच्चे आपको विविधता चाहिए। एक ही मुरली बाबा हमें हर दिन सुनाते रहे, हम कहते बाबा क्या सुना रहे हैं, वही वाली बात कल सुनाई फिर आज सुनाई, तो हमें उस बात में आनंद नहीं आता है, मजा नहीं आता है। तो अभी हमें अमृत वेले भी मजा क्यों नहीं आता है भाइयों बहनों, क्योंकि वही हमारी घिसी पिटी बातें हैं। तो अभी जो 10 दिन का हम अमृत वेला करेंगे, आज से हम प्रयोग करेंगे कि एक दिन बाबा को पिता के रूप में याद करेंगे। अपनी डायरी में आप कमेंट्री लिखिए कि जिस बच्चे का पिता ही स्वयं भगवान हो उस बच्चे की निशानी क्या होगी, फिर देखिए बाबा आपको कितने सुंदर सुंदर अनुभव कराएंगे। और आगे बढ़ते हैं, दूसरे दिन माने आज 20 तारीख है ना, आज का तो अमृत गया, तो 21 तारीख को क्या करेंगे, बाबा मेरे पिता हैं, और जिस बच्चे का भगवान ही पिता तो उस बच्चे की निशानी क्या होगी, वो मेरी कमेंट्री हो गई कल सवेरे के लिए।
आज सारे दिन मुझे ये अनुभूति करनी है कि मेरा तो पिता ही स्वयं भगवान है, और वो संबंध की अनुभूति करनी है। जैसे आप देखें, मैं उदाहरण देता हूं कि यदि किसी बच्चे का पिताजी समझो थानेदार लग जाए, अब देखो उस बच्चे का नशा, और बच्चे को पता है कि थानेदार तो 2 साल के लिए फिर रिटायर हो जाने वाले हैं, लेकिन मेरे पिताजी कौन है, वो तो सारी दुनिया के थानेदार हैं और सदा के लिए थानेदार हैं, तो मुझे कितना ये उल्टा नशा नहीं है, ये स्वमान है, क्योंकि योग लगाने का आधार है स्वमान। जितना हम स्वमान में रहेंगे उतना हमारा योग की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो 21 तारीख का ये स्वमान हो गया, फिर 22 तारीख का हम स्वमान लेंगे बाबा है मेरी माँ। आप देखो सारे कल्प में आप घुमाइए, बाबा कभी माँ नहीं बनते हैं, इसलिए दुनिया में भी क्या है, है? मुसलमान लोग भी भगवान को अल्लाह मियाँ कहते हैं, अल्लाह मियाँ समझते, अल्लाह बीवी नहीं कहते कभी, क्योंकि भगवान कभी उनके लिए माँ बने ही नहीं। अच्छा, जो अंग्रेज लोग हैं वो भगवान को क्या बोलते हैं, गॉड फादर, कभी गॉड मदर नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी परमात्मा को माँ के रूप में अनुभूति की नहीं। लेकिन हम भारतवासी बच्चे भारत में क्या बोलते हैं, त्वमेव माता शपिता त्वमेव, माने संगम पर शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें वो सब अनुभूतियां कराई हैं, माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ की ममता, माँ की लोरी, वो सब अनुभूतियां हम केवल केवल संगम पर ही कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, ये ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाबा मुझे कितना सुंदर अनुभव करा रहे हैं, तो 22 तारीख को हम शिव बाबा को माँ के रूप में, और आपको पता है माँ की तो पालना बड़ी प्रसिद्ध है, तो माँ मुझे क्या पालना कर रही है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो मुझे कमेंट लिख दिखाएंगे। तो आप देखेंगे आपको बहुत सुंदर अनुभव बाबा कराएंगे, और आपका 2 घंटे अमृत वेले 3 बजे से 5 बजे तक कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। फिर अगला 23 तारीख को हम बाबा को बनाएंगे अपना शिक्षक, गॉड हिमसेल्फ इज माई टीचर। आप सोचिए, मैंने जब MBA की पढ़ाई की तो एक टीचर हमें मुंबई से पढ़ाने आया करते थे, तो हमें पता था कि वो बुधवार के दिन आएंगे, तो हम सारे काम छोड़ करके मुंबई से टीचर आ रहे हैं। दिल्ली के टीचर हैं, थोड़ा हल्के में ले लेते थे, दिल्ली में पढ़ते थे ना, लेकिन मुंबई से टीचर आते थे पढ़ाने, और वो विमान से आया करते थे पढ़ाने के लिए, सोचिए आप। और शिव बाबा कहां से आते हैं जरा सोचिए, और कितने वंडरफुल टीचर हैं कि पिछले 84 वर्षों से एक दिन पढ़ाई उन्होंने नागा नहीं की है। तो अब मुझे भी क्या बनना है, क्या मैं ऐसा स्टूडेंट हूं? अब बताओ स्वास्थ्य विहार में कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो जब से बाबा के बच्चे बने हैं एक दिन पढ़ाई नागा नहीं, अपने आप से पूछ लेना। ठीक है, स्टूडेंट की निशानी में बताता हूं, स्टूडेंट माने जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है, स्टडी जमा डेंट बराबर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का अर्थ क्या हुआ, जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है, डेंट माने जिसने एक दिन भी पढ़ाई नागा नहीं की है। मैं कह सकता हूं मुझे 35 वर्ष हो गए हैं, मैंने एक दिन भी पढ़ाई नागा नहीं की है, मुझे स्वमान है इस बात का। तो हमें भी क्या करना है, बाबा मेरे टीचर हैं, तो मुझे एक दिन भी बाबा की पढ़ाई नागा नहीं करनी है। और अब तो घर में बैठ के मुरली सुननी है, बाबा घर में आ गए ना, इसलिए नियम बनाओ और फिर अपनी कमेंट्री लिखो कि जिस विद्यार्थी का स्वयं भगवान ही टीचर बन गया हो, तो कितना सुंदर मेरा भाग्य बना रहे हैं बाबा, 21 जन्मों के लिए 2500 वर्षों के लिए मेरा कितना सुंदर भाग्य बाबा निर्माण कर रहे हैं, आप सोचिए जरा। और स्टूडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यार्थी, विद्यार्थी का अर्थ बताओ, विद्यार्थी का अर्थ मैंने क्या निकाला, विद्या जमा अर्थी,
माने जिस दिन तक मेरी अर्थी जाएगी उस दिन तक मुझे ये विद्या पढ़ती रहनी है, ब्रह्मा बाबा ने किया। आप देख लीजिए यज्ञ का इतिहास उठा के, 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने शरीर का त्याग किया। उस दिन बाबा का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, रथ आत्मा तो ठीक थी लेकिन रथ ठीक नहीं था, तो उस दिन बाबा के महावाक्य शाम को चले। आप पढ़िए यज्ञ के इतिहास में, माने ब्रह्मा बाबा ने एक दिन भी अपनी पढ़ाई नागा नहीं की, अर्थी जाने तक विद्या अध्ययन करते रहे। और मम्मा का इतिहास पढ़िए, मम्मा को कैंसर था और 1965 में उस टाइम कोई दवाई कोई इंजेक्शन कोई पेन किलर नहीं होते थे। आप सोचिए कितना दर्द होता होगा मम्मा को, लेकिन अंत दिन तक जिस दिन मम्मा ने शरीर को छोड़ा 24 जून, उस दिन भी भाइयों बहनों को अपने हाथ से अंगूर खिलाए। जो बाबा की झोंपड़ी है ना, वहां अंगूर की बेल शायद अभी भी होगी, तो उस पर अंगूर आए हुए थे और मम्मा ने एक एक बच्चे को दृष्टि भी दी, अपने हाथों से मुख में अंगूर खिलाया। सोची माने सीखने वाली बात क्या है, इतना दर्द हो रहा है, इतनी पीड़ा है और आत्मा थोड़े समय में शरीर को छोड़ के जाने वाली है, लेकिन मम्मा ने एंड टाइम तक भी अपनी विद्या नहीं छोड़ी, पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो भाइयों बहनों हमें क्या सीखना है, जैसा हमारे माँ ने किया, जैसा हमारे पिताजी ने किया, अब वही कार्य मुझे करना है। ये नहीं भाई साहब हमने तो बहुत पढ़ाई पढ़ ली, अब हम 10 वर्ष हो गए पढ़ाई पढ़ते हुए। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, जब तक जीना है तब तक मुझे पढ़ाई पढ़ते रहना है। ये दादी जानकी जी से मैंने सीखा। देखो एंड दिन तक भी, जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है 27 मार्च को, 26 मार्च की रात को मुरली सुन करके सोई हैं। सोचिए दादी जी को मुरली से कितना प्यार था। भ्राता जगदीश जी को मैंने देखा 11-12 मई 2001, भ्राता जी सुखधाम में रहते थे पांडव भवन में, मुरली एक दिन भी नागा नहीं की, हालांकि शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, बिल्कुल भी शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी मुरली उन्होंने नहीं छोड़ी। तो हमें भी क्या करना है, एक दिन भी मुझे अपनी मुरली नागा नहीं करनी है। कमेंट्री लिखिए कि स्वयं भगवान शिक्षक के रूप में मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरा कितना सौभाग्य है। तो ये हो गई मेरी अमृत वेले के लिए कमेंट्री 21-22-23 तारीख के लिए। अब 24 को हम बाबा को बनाएंगे सतगुरु। बाबा कौन है, मेरे गुरुओं के गुरु सतगुरु हैं। और बाबा ने हमें कौन से मंत्र दिए, बाबा ने मंत्र दिया बच्चे ओम शांति, कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा बच्चे अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, बाबा ऐसे बोलते। तो वैसे नहीं शरीर छोड़ हलवा बनाना लग जाना, लेकिन बाबा ने इसका रहस्य बताया, माने ज्ञान का हलवा, माने अपने आप को ज्ञान से समझाइए। क्या समझाएं कि वो तो केवल आत्मा ने शरीर को छोड़ा है, लेकिन आत्मा तो है, आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। इसलिए कहते हैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। तो बाबा ने मंत्र दिए हैं मन मना भव, बाबा ने मंत्र दिया मां मेकम याद करो, बाबा ने मंत्र दिया मध्या जी भव। तो भाइयों बहनों हमें क्या करना है, हमें इन मंत्रों को अपने जीवन में उतार लेना है। ये बाबा ने कहा बच्चे ये महामंत्र हैं, दुनिया में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, हमें जाप नहीं करना है, लेकिन मन ही मन में बस बाबा ने जो मंत्र दिए हैं वो मेरे मन में चलते रहे। तो उससे क्या होगा, उससे प्राप्ति ये होगी कि आपका बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हम भक्ति मार्ग में जब थे ना तो पढ़ते थे अनहद नाद। अब अनहद नाद का क्या अर्थ है मुझे पता नहीं, दुनिया में क्या अर्थ निकालते होंगे इसका, लेकिन बाबा ने बताया अब हमें हद से परे बेहद में चले जाना है। तो आज
सारे दिन 24 तारीख को मम्मा का दिन भी है, सारे दिन हम क्या अभ्यास करेंगे कि बाबा मेरे गुरुओं के गुरु हैं, मुझे इतनी ऊंची शिक्षा दे रहे हैं, बाबा ने जो मंत्र दिए हैं उन मंत्रों को मुझे अब गांठ बांध लेनी है। तो फिर टीचर मेरा कौन बनेगा, टॉर्चर नहीं करेगा मेरा बीता हुआ समय मुझे, वो मैं उससे शिक्षा ले लूंगा। और अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन उसके 25 तारीख को बाबा को बनाएंगे अपना सखा। फ्रेंड्स, खुदा को दोस्त बना लेंगे। तो खुदा को दोस्त बना के क्या करेंगे भाइयों बहनों, जो बात माँ को नहीं बताई, जो बात पिताजी को नहीं बताई, जो बात शिक्षक को नहीं बताई, वो अपने फ्रेंड के साथ हम शेयर करते हैं। तो हर छोटी से छोटी बात मुझे बाबा के साथ साझा करनी है, यही योग है मेरा, और कुछ योग नहीं है। हर बात बाबा को बताइए, आज बाबा कौन सी सब्जी बननी है, देखो बाबा की याद आ गई। आज बाबा क्या क्या बाजार से खरीदारी करने जा रहे हैं, कौन सी ड्रेस पहनते हैं फलाना, हर काम में बाबा को अपना साथी बना दीजिए। ये हो गया खुदा दोस्त। हमारी दादी जानकी जी ने तो आप देखिए पूरी पुस्तक लिख डाली, कंपेनियन ऑफ गॉड। तो हम भी क्या करेंगे भाइयों बहनों, कि हम खुदा को अपना दोस्त बनाएंगे, और रात को सोने से पहले हम खुदा दोस्त को एक पत्र जरूर लिखेंगे, परमात्मा को पत्र लिखेंगे। पत्र में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना, बस बाबा को लिखिए, बाबा आई एम ओके। लंबा चौड़ा पत्र बाबा नहीं पढ़ते, बाबा ने बोला हुआ है। और यदि ओके नहीं है तो उसके नीचे लाइन नॉट ओके, और बाबा को बोल दीजिए, बाबा मुझे कल ओके का पत्र आपको लिख करके दिखाना है, ठीक है। और फिर अगले दिन क्या करेंगे, 26 तारीख को बाबा को बनाएंगे अपना छोटा बच्चा। तो मैं बन गया भगवान का भी बाप। एक बारी बाबा ने बोला, बच्चे आप सब मास्टर भगवान हो। तो छोटे बच्चे को सारे दिन अपने सीने से लगा के रखना है, बस मैं बाबा को देखूं, बाबा मुझे देखे, मैं बाबा को देखूं, बाबा मुझे देखे, बस। तो बाबा की याद में जब सारे दिन समाये हुए रहेंगे तो वो मेरी कमेंट्री हो जाएगी। फिर देखो आपका बाबा के साथ कितना सुंदर योग लगेगा। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। और अगली जो तारीख आएगी 28, उसको बनाएंगे बाबा को साजन, और मैं हूं बाबा की सजनी। हैं, सजनी और साजन कब मिलते हैं, आप सब अनुभवी बैठे ना भाई बहने, लौकिक रीति से भी जो साजन सजनी है वो कब मिलते हैं, जब कोई तीसरा नहीं होता है। एक बारी बाबा ने बोला, बच्चे मेरे और आपके बीच में यदि कोई तीसरा आता है तो बच्चों का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, तो इसलिए मुझे बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, और कोई तीसरा है ही नहीं। आवाज आ रही है ना सबको, सभी सुन रहे हैं? हाँ जी, सभी सुन रहे हैं ना? हाँ जी सुन रहे हैं। ओम शांति। सभी सुन रहे हैं ना? थैंक यू। तो अब हमें क्या करना है, बाबा को हमने बना लिया साजन, और मैं हूं बाबा की सजनी। सारे दिन बाबा से मुझे बात करनी है और उसकी कमेंट्री लिख लेनी है। और अगले दिन 29 तारीख को बाबा को बनाएंगे सुप्रीम सर्जन। बाबा सुप्रीम सर्जन है, कमेंट्री लिखिए कि मेरा पिता ही दुनिया का सबसे बड़ा वैद्यराज है। तो उस बच्चे की निशानी क्या होगी, वो मेरा उस दिन के लिए बाबा के साथ कमेंट्री हो गई, ठीक है ना। और अंतिम दिन बाबा को धर्मराज, ताकि मन में थोड़ा भय भी तो रहे ना, जब भी कोई ऐसा वैसा संकल्प आता है, कोई ऐसा वैसा कर्म करने का, उस समय बाबा को धर्मराज के रूप में सामने ले आइए। तो भाइयों बहनों,
21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 10 दिन की 10 कमेंट्री मेरे पास हो गई। तो अब क्या होगा, अब हर दिन मेरा नया तरीके का अमृत वेला हो जाएगा, बाबा से मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की प्राप्तियां हो जाएंगी, बाबा मुझे कितना आगे से आगे निकाल देंगे, फिर मुझे मुरली बाबा की कभी नागा नहीं करनी है, हर दिन मुरली सुननी है। और मुरली कैसे सुननी है भाइयों बहनों, भले घर में मुरली सुन रहे हैं, स्नान करके बैठना है, बाबा की पोशाक पहन के बैठना है, ड्रेस, बाबा का बैज लगा के बैठना है और डायरी पेन हाथ में लेकर के बैठना है। और तीसरा विषय हमारा कौन सा है, धारणा। तो धारणा मेरी टॉप क्लास की धारणा, माने मुझे श्रीमत की रेखा का उल्लंघन नहीं करना है, मुझे श्रीमत की रेखा के अंदर ही रहना है। और फिर अंतिम सब्जेक्ट है सेवा। तो बाबा कहते बच्चे सेवा की मेवा क्या है, और सेवा, सेवा की मेवा क्या है, और सेवा। तो बाबा ने हमें बहुत सुंदर अवसर दिया है कि हमें दधीची ऋषि के समान सेवा करनी है। हमारे यहाँ कई सारे भाई बहन ऐसे हैं जो 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, बाबा की जिम्मेवारी उन्होंने ले ली, किसी ने दूध की जिम्मेवारी ले ली, किसी ने बाबा के घर में फलों की जिम्मेवारी ले ली, एक भाई ने सब्जी की जिम्मेवारी ले रखी है। तो देखो 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए, लेकिन एक दिन भी उन्होंने नागा नहीं किया। आप सोचिए, डेली आएंगे, भले सेंटर में अंदर नहीं आते हैं, बाहर रख करके अपना चले जाएंगे, दूध की बोतल, दूध का जो थैली होती है, सब्जी जो भी, फोन कर देंगे, भाई साहब ये नई सब्जी बाजार में आई है, ये सबसे पहले बाबा को भोग लगाना। देखो कितनी भावनाएं हैं उनकी, और बाबा उनको कितना आगे बढ़ा रहा है मैं देख रहा हूं, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। और तीसरी बात क्या, तीसरी माता ने क्या किया, उसने साबुन की जिम्मेवारी रखी है बाबा के घर, जितना भी पाउडर और साबुन इस्तेमाल होगा, डिटर्जेंट, फोन कर देती है, भाई साहब इस महीने कितनी टिक्कियां भेजनी है साबुन की। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इस समय बाबा के घर में जरूरत है, और जरूरत के समय पर यदि हम बाबा की मदद करेंगे तो बाबा कितने गुणा मल्टीप्लाई करके हमें उसको दे देंगे। ठीक है, इस समय पर। और बाबा कहते बच्चे बाबा को अपना वारिस बनाओ। वारिस बनाना माने, वारिस बनाना माने क्या, क्या बोलेंगे वारिस बनाने का अर्थ क्या है। कई कहते हैं भाई साहब हमने बाबा को अपना बच्चा बना लिया, दीपिका बन के भेजो, दीपिका बन के भेजो। वारिस बनाने का बच्चा, कई भाई बहन क्या बोलते, कहते बाबा को हमने बच्चा बना लिया है। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, बच्चा बनाना कहना इतना आसान है, लेकिन बच्चा बनाना माने, माने जितना मैं अपने लौकिक बच्चों पर खर्च करता हूं, क्या उतना मैं बड़े बच्चे से बाबा पर भी उतना खर्च करता हूं, तभी मैं बाबा को अपना वारिस बच्चा बना सकूंगा। वरना तो क्या होगा, कहने से थोड़े ना बात बनेगी, क्योंकि इस समय देखो यज्ञ में धन की बहुत जरूरत है। देखो चल रहा है ये स्टिल हो गया है, अच्छा स्टिल हो गया है इनका फोटोग्राफ, ठीक है, हाँ जी ठीक है ना, ओके। तो कहने का अभिप्राय क्या है, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, धन का सहयोग भी बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए देखो मधुबन में भी क्या है, अब हमें यहां से मधुबन भी भेजना है, क्योंकि मधुबन भी हद का यज्ञ है। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अपने सेंटर पर भी करना है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे सेंटर पर कोई खर्चे तो कम नहीं है, बहनें रहती हैं, भोजन है, दूसरी व्यवस्था है, सब कुछ है ना। तो इसलिए जो आवश्यकता के समय बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, बाबा उनको कितने गुणा मल्टीप्लाई करके दे देंगे। और वास्तविकता तो ये है कि बाबा को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम बाबा से ले रहे हैं, हम बाबा से अपना बेहद का भाग्य जमा कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे
अमृत वेला कभी मिस नहीं करना, 2 घंटे का अमृत वेला, फिर नुमा शाम का योग 6 बजे से 7:30 बजे तक। देखो आपके 2 घंटे वो हो गए, 1.5 घंटा योग या 3.5 घंटे, फिर हर घंटे 5 मिनट का योग, फिर रात को सोने से पहले 1/2 घंटे का योग। तो ऐसे ऐसे करके हमें धीरे धीरे करके 3 घंटे फिर 4 घंटे उसको बढ़ाते जाना है, लेकिन हठ से नहीं करना। बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान हठ वाला हठ योग नहीं है, ये तो सहज योग है। और फिर बाबा की मुरली हमें प्रतिदिन सुननी है, 1 दिन भी भले घर में भी आप सुन रहे हैं मुरली लेकिन नागा ना हो, और सेवा की जिम्मेवारी ले लो यज्ञ की। बहन जी को बोलो बहन जी मुझे कोई ना कोई आप यज्ञ की जिम्मेवारी दे दो, तो आपका बाबा के साथ अपने आप योग हो जाएगा। और फिर बाबा ने कहा धारणा हमारी बहुत टॉप की हो, तो जब 3 सब्जेक्ट हमारे अच्छे होंगे तो 4th सब्जेक्ट हमारा अपने आप ही बहुत अच्छे से अच्छा हो जाएगा। और हमें जैसे आज का विषय बोला गया है कि बीता हुआ समय हमें टॉर्चर न करे लेकिन हमारा टीचर बने, माने हम उससे सीखते जाएंगे और हम अपनी लाइफ में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। देखो मम्मा का महीना है ना, मम्मा ने क्या किया अपना पुरुषार्थ कि मम्मा ने एक कोई भूल अगर किसी हो गई तो उस भूल को दोहराया नहीं, तो मुझे भी क्या करना है, भूल तो हो सकती है किसी से भी लेकिन उस भूल की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, वही भूल फिर से माफी फिर से क्षमा। तो बाबा ने कहा बच्ची आप तो जेल बर्ड बन गए, तो इसलिए मुझे जेल बर्ड नहीं बनना है। ठीक है, तो चारों ही विषयों को हम बहुत पक्का करेंगे और अभी 5 मिनट के लिए हम आपको योग कराएंगे। सभी सीधे होकर के बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे हो जाइए, कमर हमारी सीधी, नेत्र खुले हुए, थोड़े समय के लिए अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। अंतर्मुखी हो जाइए, एकाग्रचित हो जाइए। आज बाबा ने कितनी सुंदर शिक्षा दी है, बाबा को याद तो सभी करते हैं लेकिन मुझे बाबा को निरंतर याद करना है। तो जब मेरी निरंतर याद होगी तो मुझे सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। आज मैं दूसरा प्रयोग करूंगा, एक सेकंड में पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, एक सेकंड में विस्तार से सार में आ जाए। तो यही है बाबा से अंतिम सर्टिफिकेट लेना। प्यारी मम्मा का महीना चल रहा है, हम अपने जीवन में योग के प्रयोग करेंगे, अमृत वेला बाबा से बहुत सुंदर अनुभूतियां करेंगे। प्रत्येक दिन के लिए बाबा के साथ नया संबंध, कभी बाबा को पिता बनाइए, कमेंट लिखिए आज बाबा मेरी माँ है, सुंदर कमेंट लिखिए, बाबा शिक्षक हैं, सतगुरु हैं, कभी बाबा को अपना सखा बनाइए, मित्र बनाइए।
कभी बाबा को छोटा बच्चा बना लीजिए। सारे दिन बाबा को देखते रहिए और शिव साजन है, मैं आत्मा उनकी सजनी हूं, मैं आत्मा सदा सुहागिन हूं। मैं सच्ची पतिव्रता हूं, बाबा के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं, वरना तो महापाप हो जाएगा। बस शिव साजन को ही निहारते रहना है। और फिर बाबा को बनाइए सर्जन, कमेंट्री लिखिए नए तरीके से योग, बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। प्यारे बाबा कहते सर्जन से बीमारी छिपाई तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ जाएगी, इसलिए सर्जन को सब बात सही सही बतानी है। और फिर 10वें दिन 30 जून को बाबा को बनाएंगे धर्मराज। मन में हमारे कहीं ना कहीं ये हो कि बाबा धर्मराज भी है, मुझे कोई गलती नहीं करनी है, तो ये विशेष योग अभ्यास करेंगे। मुरली को हम बहुत ध्यान से कान से भी सुनेंगे और ध्यान से भी सुनेंगे। मम्मा मुरली को एक चित होकर सुनते थे, मैं भी छोटी मम्मा हूं, मिनी मम्मा हूं, मुझे मम्मा के नक्शे कदम पर चलना है, मुझे मम्मा का अनुसरण करना है, मम्मा को प्रतिपल अपने सामने ले आइए। मेरे स्थान पर मम्मा होते तो क्या कार्य करते, क्या सेवा करते, और अपनी धारणा बहुत ऊंची, इतना ऊंचा ज्ञान है, इतने ऊंचे शिव बाबा है, इतना श्रेष्ठ धर्म स्थापन कर रहे हैं, तो मेरी धारणा इतनी ऊंची हो और सेवा में सदैव मुझे नंबर वन जाना है। आज ही मुझे बाबा के घर की कोई जिम्मेवारी ले लेनी है, धन का सहयोग बहुत आवश्यक है, जहां हमारा धन होगा वही हमारा मन होगा, हमें मधुबन में धन का सहयोग करना है, अपने सेंटर पे भी करना है, और इस समय चूंकि आवश्यकता है तो आवश्यकता के समय जो बच्चे सहयोग करते हैं बाबा उनको बहुत गुणा देने के लिए बंध जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, शांति है, शांति है, शांति है, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा लगा भाई साहब, आपने पूरा संबंधों को, थैंक यू बाबा, एक दिन एक एक संबंध को याद करेंगे, और वैसे भी लौकिक कृति में भी अगर संबंध के आधार से याद करते हैं तो याद सहज हो जाती है, तो यहाँ पर भी अगर बाबा एक एक रिश्ता निभाएंगे, संबंध जोड़ेंगे, तो 8 घंटा याद करना सहज हो जाएगा। सहज हो, बहुत अच्छी तरीके से सुनाया आपने ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन उसमें से जो वर्तमान समय जो हमें समय मिला है सेवा का भी, तो ये भी चांस को गंवाना नहीं है, चांस लेना है, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, सबको बहुत अच्छा लगा।
आपका बहुत बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे स्वास्थ्य विहार के सभी भाई बहने। आप इतना बिजी होते हुए भी आपने समय दिया, इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबा। थैंक यू किसी के मन पीयूष में कोई भाई, प्रश्न तो नहीं है? कोई भाई किसी बहनों के के मन मन में में कोई प्रश्न तो नहीं है जी? हाँ पूछ सकते हैं, अभी पूछ लेते हैं। हाँ पूछ लीजिए, कोई प्रश्न है? हाँ शशि बहन, क्या प्रश्न है शशि बहन? हाँ सुनाइए, कोई प्रश्न है? हेलो हाँ चंद्रकांता बहन, कह रही हूँ आगे भी ऐसे क्लास का योग कर सकते हैं, उसके लिए हमें धीरे धीरे इस 8 घंटे की याद को बढ़ाना है। एक दिन में 8 घंटे होने वाली नहीं, हमें बहुत मुश्किल लगता है हम कैसे 8 घंटे बैठे। इसलिए मैंने बोला कि 2 घंटे एक्सटेंडेड अमृत वेला हो गया आपका 3 से 5, फिर शाम को नुमा शाम का योग 6 बजे से 7:30 बजे तक, फिर सोने से पहले आधा घंटे योग, फिर हमारे हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं 5-5 मिनट का, तो ऐसे देखेंगे 5, 5.5 घंटे, 6 घंटे, फिर बीच में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। देखो अष्ट रत्न हमारी दादियां, हमारे बड़े बड़े दादाएं, वो आए कैसे आए? उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, लेकिन जैसे मैंने बताया ओवरनाइट होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत रिगरस एफर्ट्स हमें करने की जरूरत है। ये सहज भी नहीं है लेकिन ये असंभव भी नहीं है, कर सकते हैं जी। दीपिका बहन जी, जी, और हाँ कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? और किसी का प्रश्न है तो बताइए, किसी को पूछना हो तो। हाँ जी, हाँ आप उर्मिल बहन पूछिए, उर्मिल बहन हाँ चलिए, किसी किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, है किसी को? चलिए रेणु नहीं बहन नहीं है तो अच्छी बात है। अच्छा प्रश्न नहीं है तो प्रश्न वाह, वाह भाई वाह, थैंक यू बाबा। ये एक्सरसाइज सभी भाई बहनों को 5-5 बारी दिन में 5 बारी जरूर करनी है, जी फिर भाई बहनों की रिपोर्ट मैं बहन जी से फोन करके पूछ लूंगा कि ओके रिपोर्ट आई सबकी, जी जी ठीक है? ठीक है, अच्छा थैंक यू बाबा। अनिल भाई थैंक को भी हमारी ओम शांति बोलना, उन्होंने सुना आज का कार्यक्रम? वो भी सुन रहे हैं, झारखंड में अच्छा, सुन उनको रहे भी ओम शांति बोलना, और उनको हैं। जल्दी बोलना जल्दी दिल्ली दिल्ली आ जाए। अब राजधानी दिल्ली में स्थापना होनी है, रांची में थोड़ी ना होगी बिल्कुल वो भी रांची में ना, हाँ रांची में ना अभी आ बिल्कुल जाएंगे जल्दी। और हमारी सब मीठी मीठी बहनों को बहुत बहुत ओम शांति बोलना। जरूर, मैंने भी आपको याद करती रहती है, पीयूष भाई की क्लास रखो रखो ऐसे कहते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं सभी जगह, बहुत सारी जगह मैंने कहीं अमृत वेला कराया, कहीं भट्टी भी कराई 1 घंटे की 1.5 घंटे की, तो भाई बहनों को बहुत अच्छा अच्छे अनुभव हो रहे हैं। अच्छा तो मिलते रहेंगे ऐसे ही, संगम माने मिलन मेला, जब आप हमें आदेश करेंगी हम हाजिर हो जाएंगे बाबा की सेवा में, जरूर, 24 तारीख को क्योंकि तो आप बहनों का बिजी आदेश होंगे। हाँ माने 24 को मैं जी देख के बता दूंगा थोड़ा सा अपना शेड्यूल ना। जी और हमारे जगदीश भाई साहब ने हमें एक बात सिखाई कि पीयूष भाई बहने कोई कार्य के लिए कहें तो बहनों का नहीं सोचना, भगवान का आदेश है, तो मैं बहनों की बात को भगवान की बात मानता हूं।
और मैं सदैव हाजी बाबा बोलता हूँ। मैं ये 24 तारीख का देख तो लूंगा, फिर बात कर आपकी लेंगे। चिंता है। ठीक है जी 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 ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।